ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज सुबह से ही पांचवें चरण के लिए मतदान किया जा रहा है। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। वही 3 बजे तक के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, जनता ने कितना वोट किया है सभी 12 जिलों की 61 सीटों से सामने आ चुका है कि जनता कितना मतदान के लिए उत्सुक है। आपको आंकड़े दिखाते हैं। पांचवे चरण के लिए 3 बजे तक रायबरेली में 46.86% मतदान हुआ है। रायबरेली की 1 विधानसभा सीट पर आज मतदान हो रहा है। प्रतापगढ़ 44.25% मतदान हुआ 3 बजे तक। कौशाम्बी 38.70% मतदान हुआ है 3 बजे तक। अयोध्या 51.45% मतदान हुआ 3 बजे तक। बहराइच 48.35% मतदान हुआ है। अमेठी में 46.35% मतदान संपन्न हुआ 3 बजे तक। सुल्तानपुर में 46% मतदान हुआ है। प्रतापगढ़ में 44.25%। कौशाम्बी 38.73% मतदान हुआ। अयोध्या 51.45%। बहराइच 48.66% मतदान हुआ है। सुल्तानपुर में 46.47% मतदान 3 बजे तक संपन्न हो चुका है। चित्रकूट में 51.76% मतदान हो चुका है। प्रतापगढ़ 44.25%, कौशाम्बी 38.70%, प्रयागराज 42%, श्रावस्ती 49.04%, गोंडा 46.70% मतदान संपन्न हुआ। प्रयागराज 42.29% मतदान 3 बजे तक संपन्न हुआ है। सुल्तानपुर 46.47% मतदान संपन्न हुआ। गोंडा 46.70%, बहराइच 48.66%, श्रावस्ती 49.04% मतदान 3 बजे तक संपन्न हुआ है। बाराबंकी 45.53%, चित्रकूट 51.76%, रायबरेली 46.86% मतदान संपन्न हुआ है 3 बजे तक। 3 बजे तक के कुल आंकड़े सामने आ चुके हैं। 46.28% मतदान संपन्न हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। 3 बजे तक 46.28% मतदान हो चुका है। इस बार के आंकड़े कुछ कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनावों में अगर देखा जाए तो आंकड़े अच्छे खासे सामने आ रहे थे, और अगर पिछले 4 चरणों की बात करी जाए तो उसमें भी 50% तक का मतदान कहीं ना कहीं हो चुका था। और इस बार देखने को मिल रहा है कि मतदान की जो प्रक्रिया है काफी सुस्त नजर आ रही है। वहीं कुछ जगह से ऐसी भी खबरें सामने आ रही जहां पर मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। और अब आपको सीधे लेके चलते हैं बहराइच, जहां पे हमारे संवाददाता मतदान केंद्र पे मौजूद हैं और उन्होंने जनता से बात करी है और मतदान के संबंध में उन लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश करी है कि आखिर उनका मतदान किन मुद्दों पर है। सीधे लेके चलते बहराइच। सुबह 7 बजे से ही मतदाता जो है वो अपने घरों से निकल कर मतदान करना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ कुछ युवा है, आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या मुद्दा सोच कर इस बार जो है अपना मतदान किया। क्या नाम है आपका और किन मुद्दों को सोच कर आपने इस बार मतदान किया? अनंजय जायसवाल मेरा नाम है। बहराइच के 5 साल के विकास और मोदी जी की कई नीतियों, योगी जी की कई नीतियाँ, सरकार महीने में 2 बार गल्ले के रूप में गरीबों के पास पहुँचती है, नमक मिलता है, कई लोग गरीबों को आवास मिला है, कई योजनाएँ का लाभ उठा रही है जनता। इन सभी को देखते हुए जनता आज वोट करेगी और जितने भी प्रत्याशी हैं इनका आज जनता इनके भाग को आज लिखेगी अपने मतदान से। और इसी के साथ हम भाजपा में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य करेंगे। जनता ये भी कहती है कि महंगाई जो है वो काफ़ी चरम सीमा पर है, गैस सिलेंडर बहुत महंगे हैं, इसको किस रूप में देखते हैं आप? जबकि जनता ये भी कहती है कि जो बार जो अनाज दे रही है सरकार वो गैस सिलेंडर जो है वो हमारा पैसा अच्छे दे रहा है, क्या कहना है? देखिए महंगाई कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, महंगाई अगर है तो सुविधाएँ भी मिल रही हैं, दूसरे देश से हम बात कर सकते हैं। आज यूक्रेन में देखिए मोदी जी, यूक्रेन ने मोदी सहायता मांगी कि हमारी सहायता करिए। अगर महंगाई कोई देखा जाए तो हमारे देश में भी कोई दूसरा देश कब्जा कर सकता है, जैसे अफगानिस्तान वगैरह में कब्जा हो गया। मोदी सरकार की नीतियाँ अगर हमें देखते हैं तो महंगाई को इतना बहुत बड़ा रोल नहीं है, महंगाई अपने चरम पर है, लखनऊ में महंगाई है, लेकिन आने वाले समय में महंगाई खत्म होती जाएगी। हमारे पास सुविधाएं आनी चाहिए, फिर दूसरे देशों से हमें सामान नहीं लेना पड़ेगा, चाइना और वगैरह से जो सामान आता है। विधायक किस तरह का चाहता है? विधायक हमारा बहराइच के विधायक अनुपमा जायसवाल जी हैं और हमारी उत्तम विधायक हैं और बहराइच की सेव हम सबकी अगुआ बहराइच और अनुपमा जायसवाल जी को इसी को दोबारा हम विधायक बनाएंगे। हमारे साथ कुछ और युवा हैं, आइए जानते हैं कि वो
वो क्या सोचते हैं, किन समस्याओं से परेशान है, क्या कुछ ऐसा हो कि उनकी समस्याएं दूर हो। क्या नाम है आपको? और हमारा मेन मुद्दा केवल दो ही है, एक तो राष्ट्र और दूसरा हमारा बहराइच का विकास। ये आप बहराइच में अगर आप देखिए तो कोई एक अच्छा एक KDC कॉलेज छोड़कर आप एक बहराइच में कोई अच्छा डिग्री कॉलेज वगैरह नहीं है। अगर बहराइच में अनुपमा जायसवाल जी या हमारे जितने कोई भी प्रत्याशी अगर बहराइच में चौतरफी विकास की अगर योजना की बात करते हैं तो हम उसी के मत पे अपना मतदान हम देंगे, जो बहराइच की जनता के बारे में यहाँ पिछड़े और हमारे जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं उनके बारे में जो विचार करेंगे हमारा मत। कई जो है यहाँ के लोगों ने अनुपमा जायसवाल जी का विरोध, क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ भी कुछ ऐसा निकल कर सामने आया है? देखिए, विरोध का कारण क्या है वो आपके सदर विधायक और जिस जगह उनका विरोध हुआ है या उन्होंने जो पिछली बार कुछ वादे किए उसको नहीं निभा पाई, इसके लिए लोगों का विरोध है या पार्टी का विरोध है कि व्यक्तिगत विरोध है, ये तो विरोध करने वालों के ऊपर है। लेकिन अगर जो विधायक हमारे बहराइच का विकास कर रहा है वो विधायक को जनता को बहराइच जनता को उसको जिताना चाहिए और अपने बहराइच का विकास करना चाहिए। ये थे हमारे साथ कुछ युवा जिन्होंने अपनी राय कि जो भी यहाँ विकास करेगा वो विधायक ठीक होगा। यहाँ लगभग 1 बजे 37.25% जो है वोट पड़ चुके हैं। आपको आगे भी ऐसी अपडेट जो है देते रहेंगे। सुबह 7 बजे तो अभी आपने देखा कि बहराइच से हमारे संवाददाता ने जनता से बात करी, उनसे मुद्दे जानने की कोशिश करी। अब आपको सीधा लेके चलते हैं अयोध्या, जहां पे हमारे संवाददाता ने जनता से बात करी और अयोध्या के मुद्दों को जानने की कोशिश करी। मैं अयोध्या जिले के गोसाईगंज विधानसभा में हूं और यहां गांव पड़ता है बैती कला में आज मैं पहुंचा हूं और यहां पे लोग वोट डाल करके आ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये किस मुद्दे पर वोट डाल के आ रहे हैं और कैसी सरकार चुनने की कोशिश की है। तो हमारे साथ में है कुछ लोग, आइए हम इनसे जानते हैं कि ये किस मुद्दे पर वोट किया है। जी आप बताइए, आप वोट डाले हैं और वोट डाल के आए हैं, किस मुद्दे पर सरकार चुन रहे हैं? विकास के मुद्दे पर। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? कितने लोगों को आप लेकर के गए वोट डालने के लिए? अब जैसे हमारे घर परिवार के जो हैं सदस्य या पड़ोस में हैं उनको हम लेकर गए हैं वोट डालने के लिए। आप भी वोट डाल के आई हैं, किस मुद्दे पर वोट डाली है, कैसी सरकार चाहती हैं? विकास की। कैसी सरकार चाहिए? मोदी जैसी। आप वोट डाल के आए हैं, क्या लगता है सरकार किसकी आ रही है और किस मुद्दे पर? बीजेपी सरकार आ रही है, विकास हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हुआ है, रोड भी बना है, लाइट भी बराबर आ रही सर जी। और राम मंदिर का मुद्दा 500 साल से अटका था, वो भी बन रहा है आज समय। हम इसी मुद्दे पे वोट डाल के आया हूँ कि हमारा हिंदू आगे हो बस। पिता जी वोट डालिए आप, क्या लगता है आपकी सरकार किसकी आ रही है, क्या मुद्दा रहा है आपकी वोट डालने का? अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में और भी लोग हैं कि वोट डाल करके आए हैं और आप वोट डाल के आए हैं, तो क्या लगता है किस मुद्दे पर वोट डाला है आपने? विकास के मुद्दे पर। आपने किस मुद्दे पर वोट डाला है? सर मेरा लखनऊ का है। लखनऊ का? हाँ जी। तो बिल्कुल अगर बात की जाए तो गोसाईगंज विधानसभा की, तो यहाँ की जनता जो है वो सबसे बड़ी बात कर रही है कि विकास का मुद्दा सर्वप्रथम होना चाहिए। तो 3 बजे तक के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। इस बार जो वोटिंग है वो काफी सुस्त नजर आ रही है और अगर बात करी जाए इन मुद्दों की तो इस बार सबसे अहम मुद्दे हैं आवारा पशुओं के, महिला सुरक्षा के, कानून व्यवस्था के, मुफ्त राशन के, राम मंदिर के, ये 5 अहम मुद्दे हैं। अगर बात करी जाए 2017 के नतीजों की तो 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी 5वें चरण में, 53 सीटें बीजेपी, 5 BSP के खाते में 1 भी नहीं गई थी और अन्य दलों के पास 2 गई थी। तो ये 2017 के नतीजे थे। इस बार के कई मुद्दे और 5वें मुद्दे आप स्क्रीन से भी देख सकते हैं, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। महिला सुरक्षा हो गया, कानून व्यवस्था, आवारा पशु, कानून व्यवस्था, राम मंदिर, मुफ्त राशन, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव हो रहा है। 12 जिलों की 61 सीटों पर चुनाव हो रहा है।
692 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से बीएसपी और सपा ने कई छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, गठबंधन के प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, जैसे राजा भैया और बाकी भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि निर्दलीय उतरे हुए हैं। इस बार जो चुनाव हो रहा है वो अवध बुंदेलखंड की कुछ सीटों पर हो रहा है, और अब आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आज कुछ बड़े चेहरों ने अपने मत का प्रयोग किया है। रीता बहुगुणा जोशी जो कि सांसद है भाजपा से, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है भाजपा से, उन्होंने भी अपना मतदान किया। रघुवेंद्र प्रताप सिंह अध्यक्ष है जनसत्ता दल के, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया। आराधना मिश्रा मोना विधायक है कांग्रेस से, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है। सिद्धार्थ नाथ सिंह विधायक है भाजपा से, मत का प्रयोग करने पहुंचे सुबह। पीएल पुनिया सांसद है कांग्रेस से। ये तमाम बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, जिसके बाद जनता से भी मतदान की अपील करी है। और बड़े दिग्गज ऐसे हैं जिनकी साख आज दांव पे लगी है और उन्होंने अपने मत का प्रयोग भी किया है। आज प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, ऐसी तमाम जगहें जो आस्था से जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं इसमें हिंदू वोटर्स भी ज्यादा हैं। बात करी जाए कैंडिडेट्स की तो महिला कैंडिडेट्स भी बहुत ज्यादा है। इस बार के जो मुद्दे हैं वो भी काफी अहम हैं और हर चरण में अलग अलग मुद्दे देखने को मिले। और बड़े चेहरों को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सभी ने अपने मत का प्रयोग किया है, जनता से अपील भी की है। देखिए, पहले तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि चुनाव आयोग ने हर चुनाव को एक ऐसा इवेंट बना दिया, महोत्सव बना दिया है। क्या जितने भी हमारे बूथ से वो सजे हुए हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं, और अब जिस तरह से करीब करीब 58 लाख नए मतदाता इस प्रदेश में बने हैं, इस बात का द्योतक है कि लोग अब चुनावी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी लेने के लिए तैयार हैं सरकार बनाने में। जितने भी अभी तक रुझान आ रहे हैं आपके सामने स्पष्ट है कि वो किसके लिए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आ रहे हैं। और हमें विश्वास है कि प्रयागराज में बहुत बड़ी संख्या में, मैं समझती हूँ 70% मतदान होने की संभावना है, और यहाँ से हम सभी सीटें जीत के निकलेंगे। आज मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और मैं लोगों से अपील करता हूँ, घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज लोकतंत्र की ताकत प्रकट करने का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। पांचवें चरण का यह चुनाव है, अभी दो चरण जो और बाकी हैं उस समय भी हम अपील करेंगे, लेकिन आज के जो 27 तारीख पांचवें चरण के मतदान की दृष्टि से आज 61 सीटों पर मतदान हो रहा है। मैं शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में, मेरा नाम मतदाता सूची में है और यह ज्वाला देवी विद्या मंदिर में मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और सभी युवाओं से, सभी माताओं बहनों से, सभी बड़े बुजुर्गों से और सभी वर्ग के लोगों से अपील करता हूं कि वो भी निकले घर से और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैं सबसे हाथ जोड़ करके ये निवेदन करना चाहती हूं कि सबसे पहली बात तो मतदान आपका अधिकार है, आप मतदान दें और उस पार्टी को दें जो आपके लिए और देश के लिए देशहित में काम करे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आजादी से लेकर आज तक देश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और हर गरीब किसान मजदूर और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, तो कांग्रेस पे को अपना मतदान दे, यही मेरा सबसे अनुरोध। मैंने अभी प्रयागराज में और हर्ष वाजपेयी छोटा भाई है उसके लिए मतदान दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं भी एक प्रत्याशी हूं, तो उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और मैं इतना ही आज सभी से अनुरोध करूंगा, प्रयागराज के सभी वासियों से कि आप जल्द से जल्द निकलें और वोट डालें और लोकतंत्र को और मजबूत करें, यही हम सबका कर्तव्य है। कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग 300 का आंकड़ा पार करेंगे और अपने गठबंधन के साथ हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की। को लग रहा है कि वो कमजोर है और वो बुरी तरह से हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने सभी को उतारा है। प्रधानमंत्री भी आए हैं, गृह मंत्री भी आए हैं और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी आए हैं, तो उन्होंने कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है किसी भी तरीके से। और निर्णय ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर साफ किया जाए। रीता बहुगुणा जोशी, केशव प्रसाद मौर्य, रघुवेंद्र प्रताप सिंह, आराधना मिश्रा मोना, सिद्धार्थ नाथ सिंह, पीएल पुनिया, सभी ने अपने मत का प्रयोग किया, मतदान किया, उसके बाद जनता से मतदान करने की अपील भी करी। सब में एक चीज कॉमन है कि सबने अपने पार्टियों के लिए बात कही है, उन्होंने कहा कि एक अच्छी सरकार चुने, अपने मत का प्रयोग सही करें और
मतदान जरूर करें, घर से बाहर निकले मतदान करें, मतदान की अपील करी है। वहीं 3 बजे तक के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। प्रयागराज, गोंडा, बहराई, श्रावस्ती, बाराबंकी, चित्रकूट, रायबरेली, तमाम जगह से आज जहां जहां पे भी मतदान हो रहा है, 12 जिलों की 61 सीटों पर सभी जगह के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 3 बजे तक 46.28% मतदान हो चुके हैं 3 बजे तक, और ये मतदान कहीं ना कहीं कम नजर आ रहे हैं। गोंडा में 46% मतदान हुए हैं, प्रयागराज में 42.29%, सुल्तानपुर 46.47% मतदान हुए, गोंडा में 46.70% मतदान हुए हैं, बहराइच में 48.66%, प्रयागराज में 42.29%, प्रतापगढ़ में 44.25% मतदान हुआ, सुल्तानपुर में 46.07% मतदान हुआ है, बहराइच 48.66, श्रावस्ती 49.04%, बाराबंकी, चित्रकूट, सभी जगह से आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो लगभग 50 से कम ही है सभी जगह के आंकड़े। अयोध्या में 51.45% मतदान हुआ है, चित्रकूट में 51.76% मतदान हुआ है, चित्रकूट और अयोध्या 50 से ज्यादा मतदान हो चुका है। अमेठी में 46.35% मतदान हुआ है अभी तक, प्रतापगढ़ में 44.25% मतदान हुआ है। अब आपको सीधे लेके चलते हैं वाराणसी, जहां पे पीएम मोदी मौजूद हैं और रोड शो कर रहे हैं, जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे अपने संसदीय क्षेत्र में। चरण का चुनाव चल रहा है देश में, यूपी में आज 5वें चरण का चुनाव है, तो वहीं देखा जा सकता है कि 6ठे चरण के लिए प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। और इस वक्त पीएम मोदी वाराणसी में मौजूद हैं, जहां पे जनता का हाथ हिला के उद्बोधन कर रहे हैं और भीड़ देख सकते हैं, संसदीय क्षेत्र है पीएम मोदी का। और ऐसे में जब पीएम मोदी बनारस पहुंचते हैं तो वहां पे जनता का प्यार देखने को मिलता है, भीड़ उमड़ पड़ती है, कई मुद्दों को लेकर पीएम ने जनता के बीच उतरे और वहां से जीत भी हासिल करी है पिछले चुनावों में। और एक बार फिर इस जो चुनावी वक्त है और इसको देखते हुए पीएम मोदी खुद प्रचार प्रसार करने उतरे हैं। शुरुआत में तो पीएम वर्चुअल माध्यम से जनता से वोट की अपील कर रहे थे, अपनी पार्टी की बात